आपने सीरियसली साइकिलिंग कैसे, क्यों, कैसे, कब टेकअप किया? ये बहुत लंबा हो जाएगा शो। फोन तो 2 दिन बजा ले, अरे हफ्ता भर चला लेंगे दोस्त, अपना ही शो समझो। वो हमें कॉफी के लिए मिलना पड़ेगा फिर। अरे बोलो ना। हमने बचपन में सब साइकिलिंग की है। हमारे टाइम पे ऐसा लग्जरी नहीं था कि हमारे मम्मी डैडी बोले ओके बच्चा तेरा बर्थडे है ले ले साइकिल। ये हमारी लग्जरी नहीं हुई हुआ करती थी। हमें मिलता था 25 पैसे, राइट? 25 पैसे जो हमारी मुट्ठी में पकड़ के चले जाते थे। आजू बाजू में जो रेंटल दुकान होते थे, भाड़े की दुकान, वहां पे जाते थे और साइकिल पिकअप करके आ कालबा देवी, जाते कालबा देवी, कालबा देवी की एक एक भाड़े की साइकिल मेरे को पता है। थे। वही चुन के रखते थे बिकॉज यू हैव टू गेट द बेस्ट साइकिल इन द मॉर्निंग। या तो मैं ये कह सकता हूं कि कालबा देवी के एक एक भाड़े की साइकिल के एक एक सीट को मेरे पिछवाड़े का निशान लगा हुआ है, क्या बोलो। और हाँ वही वही शुरुआत है हमारी भी। हम तो पहले से मार्किंग करके रख देते थे, ये रेड कलर की साइकिल एकदम बस मस्त है चलाने में। तब भी जाके सुबह शटर खुलने से पहले वहां पे हम थमा देने का वो साइकिल, जब तक सोसाइटी में आने की 5 बच्चे खड़े हो जाने के। क्यों? पैसे बचाने हैं सबको। 5 बच्चे को वो आधे घंटे के राइड में खत्म करके फिर से यू हैड टू गिव बैक द बाइसिकल। बट मजे के दिन थे। डिजिटल हमारा कुछ डिजिटल वाला एज नहीं था। वी वर ऑलवेज आउटडोर्स। जब तक मम्मी ऊपर से चिल्लाएगी नहीं तब तक कोई घर जाता नहीं जाता था। वी यूज्ड टू बी ओनली प्लेइंग डाउन। तो या वही बढ़िया वाला दिन था मेरे लिए। बट जब मैंने एंटर किया कॉलेज तो वो मेरे लिए पर्पसफुल वाला था बिकॉज मैंने कभी लीजर के लिए साइकिलिंग नहीं चलाया। आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन। मेरे 3 बैच चलते थे। आई एम फ्रॉम मुलुंड। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुलुंड। तो मुलुंड की साइकिल वाली, दैट्स हाउ आई हैव बीन नोन एज। एंड पॉकेट मनी के लिए तो ट्यूशन लेने बनती थी बट कॉलेज में आई यूज टू साइकिल टू कॉलेज और सारे जो मेरे ट्यूशन होते थे मैं साइकिल से करके पैसे बचाती थी। एंड आई यूज टू बी गिविंग। वो टाइम तो मैं अपने आप को समझती मैं बहुत मिलेनियर हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स को टपरी चाय एंड ऑल ऑफ दैट मैं खर्चे करती थी उनपे। वाह, सो या दिन दिन बढ़िया था बट पर्पसफुल वाला था। सो पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाज वेरी पर्पसफुल। मतलब ये लेजिट कम्यूट ट्रिप्स था बट मेरे मेरे महज मेरे जहन में लेजिट कम्यूट नहीं था। मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं एनवायरनमेंट का कुछ कर रही हूँ। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव द एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। 2009 व्हेन आई गॉट बैक इनटू साइक्लिंग, व्हेन यू नो देयर वाज अ बिग साइक्लोथॉन व्हिच वाज अनाउंस्ड एंड सीलिंग ओपन वाले होने वाला था एंड आई सेड चलो टाइम टू गेट बैक इन टू साइकिलिंग। एंड देन थिंग्स हैड चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे टाइम पे तो कोई भी साइकिल की कलर पसंद आ गई ले लो बट 2009 में तो एरोडायनामिक ज्योमेट्री, आपका हाइट कितना है उसके हिसाब से आपको साइकिल लेनी पड़ेगी, ये सारा चेंज हो गया था। एंड आई हैड टू स्टडी टू गेट बैक टू गेट द बेस्ट साइकिल। लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने साइकिल में इन्वेस्ट कर वाह दिया। वाह। नहीं तो आपने कहा कि एक समय में आप एक तरह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी कम्यूट करती थी, ट्यूशन निपटा के घर आती थी, साइकिल का इस्तेमाल हाँ करती जी थी। हाँ फिर जी 2009 में यू गॉट बैक टू साइकिलिंग। तब साइकिलिंग बाय इटसेल्फ, नॉट जस्ट एज अ स्पोर्ट बट एज अ कम्यूट और जी जस्ट एज एन एंटिटी, आपने कहा कि बहुत फर्क आ गया था। साइकिलिंग जी को जिस तरह से, जिस नजरिए से देखा जाता था, उसी में फर्क आया। अब ये हाँ जी 2009, और हम कौन से सन में है, 2022 में ना। हाँ, हाँ जी तो हाँ जी 2009 और 2022 में और भी फर्क आए हैं क्या? यस साइकिलिंग हैज बिकम अ बिग फैड एंड पीपल नो द इट्स बिकम लाइक अ रिच मैन स्पोर्ट आई कुड से बिकॉज लोग के पास खुद की गाड़ी है, मर्सिडीज है एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन उनके पास साइकिल है। साइकिल वो भी सस्ती सस्ती वाली नहीं, आई एम टॉकिंग बट महंगी वाली साइकिल है, 1.5 लाख 2 लाख, मेरे हाँ 3-4 लाख। वेर आर यू? पापा सुनते तो मेरे को घर से निकाल देते, किससे बात कर रहा है, 1.5 लाख का साइकिल कौन बेच रहा है तेरे को। अरे हाँ, बाबा ये ऐसी उंगली है ना, ऐसे में उंगली आप साइकिल उठा सकते हो। क्या बात कर रहे हो, आप अपनी उंगली की बात करो, मेरी नहीं। हाँ फिर, मेरी बहुत पतली है रे। हाँ तो ऐसा थिंग्स हैड चेंज। सो बेसिकली एक ऐसा पीरियड भी था जहां पे साइकिल को पुअर मैन्स व्हीकल भी देखा जाता। तो ऐसा ऐसा था कि
साइकिल चलाते हो तो आप बहुत ही फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल फैमिली क्लास फैमिली से हो, डब्बा वाला, दूध वाला, इस्त्री वाला, आप यही लोग साइकिलिंग करते हैं, तो वो भी टाइम हमने देखा है. तो यू कैन बी सीन लाइक, अगर हम बोले वो टाइम पे सीईओ साइकिल टू वर्क करके आ रहा है, वो टाइम हम टॉकिंग 2000, बोले ये क्या हो गया, मतलब पेट्रोल के पैसे कम पड़ गए क्या हो गया. आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. आज के टाइम में कौन पूछेगा पेट्रोल के पैसे, कोई भी पूछेगा पेट्रोल के पैसे कम पड़ गए तो सीईओ भी बोलेगा हाँ भाई हाँ. मैं तो बोल रही 200 कर लो मेरी बला से. अरे तो एक सेकंड, चूंकि ये बात हुई तो ये जो पेट्रोल कैसे धम 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 दाम बढ़े हैं, उसके बाद क्या साइकिलिस्ट की तादाद बढ़ी है क्या? साइकिलिस्ट की तादाद आई विल ओनली गिव इट, मैं पूरा श्रेय कोविड को दूंगी. लेट्स नॉट टेक इट फ्रॉम, बिकॉज आई हैव बीन entrenched completely into cycling since 2009. But petrol diesel prices rising has not made a difference. See the thing is, जिसको जिनको कार लेके जाना है अपना, वो तो जाते ही है, वो जाते ही है. Because आज के time पे आपने देखा है हमारा heat island बना है. Mumbai is become like a, not about our city, all the cities across globally it's become heat island and this is going to rise. हमने ये साल experience किया है, trust me next year will be worst. हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं? I like to live in a very positive world, very optimistic world. I believe, I always live in hope. तो मैं सोच रही हूँ hope है, but hope will come only when each and every of us will contribute. हम citizens contribute. हम सोचते हैं ना authorities, stakeholders, ये सब कुछ करेंगे. पर हम भी तो stakeholder हैं ना अपने शहर में और अपने देश में और दुनिया में. हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? That's the question which everybody needs to ask. तो यही है कोशिश इस मुहिम का जिसका नाम है सिर्फ एक साइकिल की, हम किसी तरह कंट्रीब्यूट करें अपने शहर को, अपने देश को, अपनी दुनिया को. अब एक बात, आपने कुछ देर पहले कहा था कि साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम आएंगे, और हमने ये भी कहा कि हम भाड़े की 25 पैसे की साइकिल उठाते थे एक समय पे, फिर 1 रुपया हुआ 1 घंटे का, याद है? तो मैं ना तब कालबा देवी में रहता था, तो मैं कालबा देवी से मरीन ड्राइव निकल के वालकेश्वर ऊपर 3:32 से टर्न लेके डूंगरवाड़ी, डूंगरवाड़ी से नीचे आके ब्रिज के नीचे से टर्न लेके वापस कालबा देवी आता था, और 1 घंटे में आराम से साइकिल वापस भी दे देता था. और मेरे को आदत लग गई थी फिर लेमन वाला सॉफ्ट ड्रिंक पीने की, क्योंकि मेरे को ऐसा बिलीफ था कि अरे इससे मेरा सब सॉल्ट वॉल्ट सब वापस आ जाएगा. क्या डांट पड़ती थी मेरे को, दैट इज वेरी गुड हाइड्रेशन, गुड करेक्ट. अब बढ़िया, गलत बात थी, घर पे जाके नींबू पानी पी लेने का ना, 1 रुपया साइकिल पे खर्चा, 1.5 रुपया लेमन पे खर्चा, क्या मतलब है? खैर, तो मुझे एक दिन याद है, मैं सुबह सुबह निकला कालबा देवी से, मैं मरीन ड्राइव का मरीन लाइन स्टेशन के बगल वाला मरीन ड्राइव का ब्रिज चढ़ा, मैं नीचे उतरा सुबह के 7:45 होंगे. और तब क्या है, एक उम्र में आपके रिफ्लेक्सेस जबरदस्त होते हैं ना, रिफ्लेक्सेस आपके बहुत गजब के होते हैं. गनीमत से मेरी उम्र वो थी, मैं नीचे आया हूं और ऑटोमेटिकली मेरा हाथ बाहर शूट आउट हुआ, व्हाट से एक एम्बेसडर मेरे हाथ को छू के गई. अगर मेरा हाथ ना निकलता, और वो किस तक दर्द है मुझे, मेरा हाथ अगर ना निकलता तो मैं गया. ओके, ये अपने मुंबई शहर में सुबह 7:45, और तब तो हेलमेट का भी कोई चलन तो था नहीं. तो मेरा सवाल ये, चूंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छेड़ी थी, कि ये जो डेंजर है साइक्लिस्ट को अपने शहर में, क्या कहानी बदली है या आप भी उतना ही डेंजरस? ओके, सो ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है. सो लेट्स कम टू एब्सोल्युटली ग्रास रूट रियलिटी. एक साइकिल होती है, आप बताओ साइकिल को हम किस तरह से, अनलाइक रनिंग, रनिंग क्या हो गया, आपने शूज पहन लिया, आपने रन कर लिया, खत्म हो गई कहानी. साइकिल में वैसी नहीं होती. साइकिल में लोग यूज साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एंड्योरेंस, साइकिलिंग फॉर लाइवलीहुड, साइकिल फॉर कम्यूटिंग, साइकिल फॉर मल्टी डे टूरिंग, साइकिल फॉर कॉम्पिटिशन. लाइक साइकिल के ना अलग अलग पहलू है, लोग ना सेलेक्ट करते हैं. लाइक मेरे को सिर्फ फिटनेस ही करना है भाई, मेरे को साइकिल टू वर्क वगैरह से कुछ लेना देना नहीं कुछ. सो ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जब मैं ट्रैफिक से बात करती हूँ, मुंबई ट्रैफिक अपनी जो लोकल पुलिस, द फेटेलिटी रेट्स ऑफ अ साइकिलिस्ट इज मैक्सिमम इन ड्यूरिंग द लीजर स्पेस, नॉट इन द कम्यूट स्पेस. अब बोलो, अब कम्यूट स्पेस में इतनी फेटेलिटीज क्यों नहीं थी साइकिलिस्ट की?
क्योंकि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कम्यूट स्पीड इज 15-20 किलोमीटर पर आवर, वहां पे तो स्लो ट्रैफिक चल रही है, साइक्लिस्ट अपना मेन्यूवर करके निकल रहा है, इट इज नॉट इनफैक्ट द ट्रैफिक जो इट इज अ कुशनिंग फॉर द साइक्लिस्ट. लाइक आई आई एम नोन फॉर साइकिल टू वर्क, मैंने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सिटी सिर्फ साइकिल टू वर्क करके किया. हम साइकिल करते थे फ्रॉम जुहू जहां मैं रहती हूँ टू दादर पोर्चुगीज चर्च, 12 किलोमीटर डिस्टेंस वन वे बैक एंड फोर्थ. टिल डेट आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम. साइकिल टू वर्क में बात कर रहे हैं, ओके, बिकॉज हाँ एक प्रॉब्लम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको आपको यू हैव टू बी सुपर अलर्ट ऑन द रोड. आप क्या है ना, ईयरफोन डालो, हेलमेट नहीं डालो, रिफ्लेक्टर जैकेट, यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू हैव द नेसेसरी एक्सेसरीज ऑन यू. बिकॉज अगर आप शाम को वापस आ रहे हो फ्रॉम वर्क टू होम तो आपकी टेल लाइट भी तो जलनी चाहिए बिकॉज यू हैव टू बी विजिबल, ओके. सो वो सारा ऑफकोर्स आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. सो फेटेलिटी रेट शोज दैट लीजर स्पेस में ज्यादा लोगों की एक्सीडेंट हुई है, हालांकि कम्यूट स्पेस में नहीं है. And I will also come to that, where the commute space में मैंने कितने सारे interviews किए हैं और किस लोगों की interviews किए. अब leisure space में क्या होता है, रास्ते खाली होते हैं और हमारे जो बड़े बाप के जो बच्चे होते हैं वो कैसे किस तरह से कार चलाते हैं और बाइक चलाते हैं आप ही बता दो. मतलब they will not see के junction आ रहा है कि हमको slow down करना है क्या. Maximum of the accidents of pedestrians and cyclists have happened during the morning hours because you know. क्योंकि रास्ते खाली है, हम एवरेज भी 35-40-55 भी चलाए तो यू नो इट्स जस्ट गिवन बेसिकली. सो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि कम्यूट में ज्यादा फेटेलिटीज नहीं है. ऑल्सो आई हैव पर्सनली इंटरव्यूड मोर देन 100 हमारे जो लाइवलीहुड साइक्लिस्ट है, डब्बा वाला, दूध वाला, इस्त्री वाला, स्विगी, जोमैटो जो साइक्लिस्ट होते हैं हमारे, मैंने पर्सनली उनसे बात की और मैंने उनको पूछा कि अबाउट द फेटेलिटीज, कि अभी कभी किसी का आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है. नॉट अ सिंगल पर्सन हैज सेड कि मैंने मेरा एक्सीडेंट, किसी ने मुझे यू नो किसी ने हमें बाहर पीछे से यू नो एनीबडी हैज क्या बोलते हैं ठोके गए, ऐसा कुछ भी, नथिंग, नो वन हैज एनी प्रॉब्लम. ऑलवेज टू थिंग्स का ही उन्होंने जिक्र किया है, एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जो वॉकिंग पेडेस्ट्रियंस जो फुटपाथ पे नहीं चलते और रास्ते पे आ जाते हैं चलने के लिए. अरे तो फुटपाथ पे तो हॉकर्स हैं. तो वही है, वही मुद्दा है कि अगर वो फुटपाथ पे नहीं चल रहे हैं और वो अगर रास्ते पे चल रहे तो हमारे साइक्लिस्ट फिर अगेन वी हैव टू मैन्यूवर बिटवीन द पॉटहोल एंड पेडेस्ट्रियंस ऑल्सो. सो ये एक दो दिक्कत है. और आपको जान के बहुत अचंबा होगा जो हमारे स्विगी जोमैटो साइक्लिस्ट होगा मेरे को जान के गाना है, माए नी मेरी ये शिमले दिरा है, चंबा कितनी दूर, फिरोजा गाएगी अचंबा कितनी दूर. मैंने बहुत सही वर्ड यूज किया, इतना बड़ा वर्ड मैंने बहुत टाइम के बाद सुना है. अरे अचंबा, हाँ कम ऑन अचंबे. तो जो हमारे डब्बा वाला, दूध वाला है, हमने इनको डिवाइड किया था बिकॉज इनके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, तो मुझे यू नो हाउ विल आई गेट डेटा बैक फ्रॉम देम. स्विगी और जोमैटो साइक्लिस्ट दिन के 60-70 किलोमीटर करते हैं. दैट्स व्हाई जब भी स्विगी जोमैटो साइक्लिस्ट मेरे डोरस्टेप पे आता है, मैं बोला मैं तो पहले उनको पानी और एक जो भी मेरे पास किचन वगैरह, साइकिल किचन में तो गिफ्ट दे देती हूँ. Because you need to understand they are doing the legit commute trips for a city. ये legit है. जो हम करते हैं morning में निकल गए ना 6:30-7 बजे, आपको कोई नहीं देख रहा है मुंबई सिटी में. जो दिख रहे हैं वो दिन में सिर्फ कम्यूटिंग वाले दिख रहे हैं, जो हमारे डब्बा वाला, दूध वाला, इस्त्री वाले और ये सारे जो साइक्लिस्ट है, ये हमारी इको सिस्टम है कम्यूट की. तो हम जब बोल रहे हैं कि हमको मुंबई को एम्स्टरडेम बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बॉस आपको कम्यूट करना पड़ेगा. एंड मैं बहुत ठोक के बोलती हूँ ये, और ये आई एम नोन फॉर टेलिंग दिस कि जब तक आप कम्यूट नहीं करोगे, आप साइकिल टू वर्क, साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू कॉलेज नहीं करोगे, ये सारा ये हम कॉन्वर्जेशन ना हम 10-15-20 साल चलता रहेगा ये.
सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने साइकिल अगर चलानी है तो इट शुड बी, भले छोटा डिस्टेंस, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आपको लगता है कि वो रिक्शा का डिस्टेंस है, उसको अवॉइड करके उसको साइकिलिंग में कन्वर्ट करो। तो आपने जब इतना कह दिया, और आपने कुछ टाइम पहले एक आंकड़ा भी कहा था कि 50% मुंबईकर जो है वो बेसिकली पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट्स हैं, तो एक्चुअली तो सवाल बनता है, तो क्या आपके हिसाब से मुंबई अपने देश का साइकिल कैपिटल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैं आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन लॉट मेनी सिटीज, बैंगलोर जैसी सिटी को ले लो, हार्डली आपको ये लाइवलीहुड बाइसिकल साइक्लिस्ट दिखेंगे, सारे जन शिफ्ट कर चुके हैं वहां पे, ये यू नो जो टीवीएस स्कूटी वगैरह जो छोटे छोटे स्कूटी वाले टू व्हीलर्स हैं, सारे जन शिफ्ट कर चुके हैं वहां पे। सो आई वुड स्टिल फील दैट मुंबई हैज दैट इकोसिस्टम ऑफ ऑल ऑफ दीज यू नो द लाइवलीहुड साइक्लिस्ट, अभी भी इकोसिस्टम बरकरार है। आप ना पलक झपको मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून में एटलीस्ट आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4-5-6 साइक्लिस्ट ऐसे दिखेंगे, which means it is good for the city. You know, Pune used to be the mecca of cycling. Pune was Amsterdam. That means, agar morning mein, agar shaam ko ya dupair mein, aapne bahar na, khidki se na, aap dekho bahar, to aapko na, signal pe, cyclist, thode bo two-wheeler, aur bahut hi kam car wale dikhte, motor, I mean motorist wale, bahut kam. Aaj kya ho gaya? Absolutely. उल्टा हो गया। बट ये अगर हमने वो इकोसिस्टम को नर्चर करता, अगर वहां की जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलती वाओ यू नो व्हाट, हमारी सिटी आइडियल सिटी है, ये क्विक वाले जो डिसीजंस होते हैं ना ये सही टाइम पे लेते हैं, तो जाके हमारी सिटी हम सही माने में साइकिल चला सिटी बचा कर लेते हैं। माइंड ब्लोइंग, आपके मुखारविंद में क्लैरिफाइड बटर एवं शुगर, घी और शक्कर। हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुंबई सिटी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं साइकिल मेरे लिए एक मीडियम है, छोटी चीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कितने लोग सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को, फिर हम बोलते हैं कि ना हमारे हमारे लोकल कॉरपोरेशन, हमारे जो लोकल कॉरपोरेशन यू नो ठीक तरह से कचरा नहीं उठाते हैं, बट हम खुद ही तो कचरा डालते हैं रास्ते पे। We are the ones who are, you know, maximum हम ही कचरे। तो ये सारे हम citizens की होती है, सारी responsibility citizens की होती है। हमें पानी, हमें मुंबई is blessed with lot of tap water, right? तो ये भी एक responsibility होती है कि हम shower से नहाते हैं, तो हालांकि हमें bucket से नहाना होता है। So ये सारा छोटा, I can proudly say that I have stopped having warm water bath. I have only cold water bath, which is good for the body. Fortunately, I mean, yoga जो करते हैं उनको पता है कि cold water bath हम इंसानों के लिए अच्छा होता है। Rest everything, I think it's all की ना easy है हमारे city में, सब कुछ आसान है। Okay, so last before you go, आपने कहा कि एक responsibility की बात की अभी। क्या आपको लगता है कि साइकिल का इस्तेमाल करना हर मुंबईकर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल, बिकॉज जब हम आई कम टू दैट, आई मीन जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर, व्हेन आई हैड टोल्ड अबाउट द एलीट, यू नो जो एलीट वाले हैं जो मॉर्निंग में निकल जाते हैं फिर बाद में गायब, नो वन इज देयर ऑन द रोड। अगर हम, और ऑल्सो अनदर स्टैटिस्टिक्स फॉर यू, Mumbai we have a population of close to 24 million and half of them live in slums, which means close to 12 million people stay in slums. Agar hum, aap bol rahe hain ki aap mujhe message dena hai, you know what, aaj agar mujhe kaam karna ho, I would readily work with the urban poor, the 12 million people staying in the slums, I will readily work with them. बिकॉज वहां पे बिहेवियर चेंज का प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर चेंज का प्रॉब्लम इज विद द एलीट एंड द सुपर एलीट, वहां पे बिहेवियर चेंज। यहाँ पे नो खुश है, उनको साइकिल दे दो, मैंने काफी सारे साइकिल डोनेट किए, ओके यहाँ पे इनको साइकिल दे दो वो चलाएंगे,
So, and that's where I am training a lot of women from the slums. Because वहाँ पे transport poverty भी बहुत है. Transport poverty है because क्या है, वो चार पांच घर में घर घर का काम करते हैं. जब वो चार एक घर से दूसरे घर का छोटा डिस्टेंस होता है, वो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ मेजर चेंज लाना हो, आई विल पॉइंट माई फिंगर. में 10-12 साल मैंने निकाले हैं सिटी में. आई विल क्विकली पॉइंट और इजिली पॉइंट माई फिंगर टू वर्क विद द अर्बन पुअर, बिकॉज वहां पे द कन्वर्शन रेट ऑफ क्रिएटिंग मोर साइक्लिस्ट इज मच हायर देन गेटिंग इन टू दैट स्पेस जहां पे है. चलो ना, सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल राइडिंग इन टू लीजर स्पेस और फिटनेस स्पेस, नथिंग अगेंस्ट देम. इट्स एन इकोसिस्टम टू बी नर्चर. बिकॉज साइक्लिस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने साइकिल ही नहीं खरीदी तो आप साइक्लिस्ट ही नहीं हो, राइट? रनिंग में इजी है कि आपने दो शू, यू वेयर अ पेयर ऑफ शूज, या तो पेयर शूज डालो ही मत, आप बेयर फुट भागो. बट साइकिल का तो बड़ा एक हिंड्रेंस है कि साइकिल आपको खरीदनी पड़ेगी. और साइकिल का बेसिक कॉस्ट आपको पता है आज के टाइम पे एनीथिंग बिटवीन 8-8.5-10 ऑनवर्ड्स का साइकिल मिलता है आपको. सो ये बड़ी एंट्रेंस है. सो यस, एक इकोसिस्टम को नर्चर करना पड़े. भले पीपल जो लोगों ने साइकिल खरीदी है, मैं खाली इतना ही अर्ज कर सकती हूँ कि वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट के लिए साइकिलिंग करें. एंड या सो दिस इज व्हाट माय मैसेज वुड बी फॉर मुंबईकर्स, कि साइकिल चला, सिटी बचा और अपना सेहत बना. Thank you so much, Firoza. It's always a pleasure having you on the show. Yes. Like coffee bakaya hai abhi. 92.7 Baby.